गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज स्वाति एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू गाइज एमेजॉन ज्वेलरी हॉल वैसे मैं मीशो का ही बनाती रहती हूँ तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा अलग ट्राई करती हूँ अमेजॉन से ज्वेलरी मंगवाती हूँ सो लेट्स विगेन द वीडियो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन ज्वेलरी से मैं मोस्टली साउथ इंडियन ज्वेलरी ढूंढ रही हूँ बिकॉज फेस्टिव सीजन आने वाला है एंड मैं सिल्क की साड़ी पहनूंगी तो मुझे उसके साथ स्टाइल करने के लिए थोड़ी ज्वेलरी चाहिए सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रुबा रुबंस रुबंस और रुबंस आई डोंट नो मैं डाल दूंगी कि क्या है एंड दिस इज़ हाउ द फर्स्ट पीस लुक्स ये ना इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं है थोड़ा सा म्यूटेड गोल्डन है एकदम ऐसे चमक के नहीं आएगा एंड बहुत प्यारी फिनिशिंग है इसकी ना आप पास से देख सकते हो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर मिलेगा आई गेस वहाँ पे ना रेड कलर भी था बट मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है एंड दिस इज़ वेरी नाइस एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी है ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है यहाँ पे साथ के साथ ट्राई ऑन हॉल डाल दी जाऊँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा की ज्वेलरी कैसी लग रही है लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड ज्वेलरी ये मैंने मंगवाई थी थोड़ी सी महाराष्ट्रियन सॉर्ट sort ऑफ of लुक में एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ये भी गोल्डन कलर की है बट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी ये वाली आप इसको ना माथा पट्टी जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो आराम से बहुत सुंदर लगेगी इसके साथ आपको ये झुमकी सॉर्ट sort ऑफ of यहाँ पे ईयर मिल जाते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं एकदम मिनिमल सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी है ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है एंड फिर भी थोड़ा सा एलिगेंट लगना है तो आप ये वाली ज्वेलरी जरूर से ट्राई कर सकते हो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट ऑफ में है ऐसी ज्वेलरीज ना आपको लाइट वेट साड़ीज के साथ बहुत ज्यादा सुंदर लगती है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स साइड में ना आपको यहाँ पे पांच मोती की माला भी मिल जाएगी व्हाइट कलर की एंड ऐसी ज्वेलरी ना आप किसी के भी साथ स्टाइल कर सकते हो एंड दिस इज़ हाउ द ईयरिंग्स लुक्स ये ना स्टड सॉर्ट ऑफ में आपको एक नीचे गिर गया है एक ये स्टड सॉर्ट ऑफ़ में आपको यहाँ पे ईयर मिल जाते हैं जिनकी भी फिनिशिंग काफ़ी सही है एंड लाइट वेट ज्वेलरी है ये भी जैसे मैंने आपको अभी वो मिट uh, ग्रीन का दिखाया उसी में मैंने यहाँ पे ना एम्ब्र ग्रीन का मंगवाया था एंड ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया आई डोंट नो वॉइस का ना कलर कॉम्बिनेशन कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही चमक धमक सॉर्ट ऑफ लग रहा है बट अगर आपको वेडिंग वगैरह में जाने के लिए चाहिए तो आप ये ज़रूर से ट्राई कर सकते हो इसमें यही वाला कलर था एक ग्रीन एंड साइड में यहाँ पे ना आपको ये स्टोन दिख जाएंगे वाइट कलर के स्टोन इसके इयर भी आपको इस फॉर्म में दिखेंगे मुझे नेकलेस से अच्छे तो इसके इयर लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनको मैं ज्यादा स्टाइल कर सकती हूं सो दिस इज हाउ द ईयर लुक्स ये काफी ज्यादा सुंदर मुझे लग रहे हैं यहाँ पे एंड बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं इनको तो आप ना नॉर्मल वेस्टर्न वेयर के साथ भी कैरी कर सकते हो अगर आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है तो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट ज्वेलरी इससे मुझे बहुत ज्यादा होप थी एंड ये जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही आया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स इट इज वेरी ब्यूटिफुल चोकर नेकलेस है इसको आप ना ऐसे ब्रेसलेट सॉर्ट ऑफ में भी कैरी कर सकते हो माथा

इवन वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हो लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट प्रोडक्ट एंड ये मैंने मंगवाए थे बैंगल्स मुझे नहीं पता था ये ना मुझे लगा था कि मेटल के आएँगे या फिर स्टोन के आएँगे बट ये है लकड़ी के सुंदर लग रहे हैं ये यहाँ पे गोल्डन कलर के हैं एंड इसकी ना फिनिशिंग देख लो पहले तो आप पास से बहुत प्यारी फिनिशिंग है बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान यहाँ पे रखा हुआ है गोल्डन कलर के हैं काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं मैं यहाँ पे पहन के दिखा देती हूँ ये चार के सेट में आते हैं थोड़े एक्सपेंसिव हैं आई एम नॉट से अफोर्डेबल हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को ना एक साइज छोटा लेना चाहिए था बट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस